आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତିଲକ। साई बाबा को गुण गान करी कहले जीवा बैद्यराजे साई बाबार भाई जाननी स्वामी को बचेवा किए जाए किशन बेले कौन आपण तो आपण बैद्यता छाड़ा जाऊते जदि से कोते पातिली मरी जाता तो आपण कौन जाता आउ बैद्यराज को तो निजे तातिया डाकिबा को आछि थिला किंतु आमे तो सुनिछु तातिया बैद्यराज को डाकिबा को आसिलो थिला ताले कोन तातिया रूप रे साई बाबा आसिथिले त मानेला द्वारिका मायर गोटे तातिया निज घर को जाइथिला आ अन्य तातिया सेही समय रे वैद्य कोलकन्नी को डाकिबा को गला यह आपणक ही लीला थिला साईनाथ रोइदा रोइदा कौती किंतु तू मोर रास्ता को आसीचु कालुर रास्ता को यार शास्ति तो भोगिबा को पड़िबो ऐसा काना है तुमर ड्यूटी रु गायब है जवाब मत बिल्कुल पसंद नु है सदे भाई मो तुमको शास्ति भी दे पारिबे डू यू अंडरस्टैंड ना 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 रागंतन इंस्पेक्टर साहेब क्रोध अकल रवि शत्रु आ स्वास्थ्य रवि आपण ताठु दूरे रहिबा उचित आ दूरे रहिबा पई ईश्वर को भक्ति करन यू शट अप गेट आउट फ्रॉम हियर गोटे मुहूर्त शांति रहा दौना दीटा बुढ़ी देख एम झिलौंट गोटे निया लगी जा बुढ़ी कोठिकार कौन है तंटी कहीं फटोच गीता पाठ शेष हो गला ना कौन जे एमिति मोना जप करू छ बहु निज सासु मां को दे
ताको अवस्था किछि भलो लागुनि बहु चल चल जणा कठु तो मुक्ति मिलिबो चली जीव ये के जानी त औषध कोठी अछि बहु त औषध खोजि दे हाय रा जल्दी कर बहु पड़ोसी घर राजू को पठाऊ जल्दी संभारपुर को डाकि आनब औषध खुआबि तो ये बुढ़ी बचीजी आउ माओ पीएबि तो ये मल्ला मात्रे मु दादा को घर बाहर कर देबी आओ घरे केवल मो हे मु आहा मो स्वामी संभा ताको त मो आंगुले एमिति न जीवी के ओ सोध मिलिला बहु नाही मा सुभद्रा माँ को औषध कहीं पियाई न औषध शीशे मिललानी संभाल बाबा हमको आउ टिके डेरी हो जाइले बहुत असुविधा हो जाता एवं तुम माँ ठीक अच्छा कौन कर तमें भाईजा मु तुम सेवा करने को चाहूँचे ये आज कौन है तुम भल है कहीं नदी किए तुमको मो पाद छुईबार देखीदे था तो कौन कही था लोक तो केवल यही कहते जे भगवान तक मुहर जीव दे कि प्रकृत कथा जाणिना कौ कथा ये मोर अंतिम समय निकट हो हयो कहना ये मनुष्य जीवन बहुत छोट हो मनीष भावुचे भाईजा मु तुमको केबे भी मन भरी भल पाइनी मु तुमको केबे भी सही सुख देनी भाईजा जोटा तुम अधिकार केते बड़ सत कथा ये जे जी दुनिया को आसी सी दुनिया रो जीव तथापि सी सबुबले बंची रहिबा पाई आशा रखी थाए सेई प्रभु मनीष को ए शरीर रूपी कवच देछंती एथिर आत्मा ता जागा करी नेछि मृत्यु मनीष शरीर को तो मारी दौछि किंतु आत्मा ए आत्मा को शस्त्र काटि पारिबो नाही याकु निया जळेई पारिबो नाही पानी भिजेई पारिबो नाही आउ वायु ताकु उड़ेई नै पारिबो नी तेणु साधु संत माने कहंती ए सत्य को जान आउ ताकु स्वीकार कर सबका मालिक एक है सुभद्रा ये मार औषध शेषी तुम पाखक केमती आसला सुभद्रा तुम ध्यान कौटी
जवाब दियो। मो केमती जानिबी? मो केमती जानिली? से दिन तो तमे कहुतलो औषध से मिलिलानी। मां सेठ छटपट होतला आ तमे सेठ ठिया तामसा देखतला। आउ 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 मो कोन कोन करथान त तमे जानिथिला औषध से कोठी रखिछ। तथापि तमे मां को औषध देलोनी काहे कि कोन तमे ए चाहुतला मां को औषध न मिलु? ना बिल्कुल रे एटा मिछ। तमे त जीवन नबा को चाहुतला मारी देबा को चाहुतला मो मां को? ना ना तमे मिछ कहुछ सुभद्रा। तमे चाहु नथिलो मो मां बंची रहु सेति पाई तको औषध दबा बदल रे तमे औषध से एठी कोठी लुचै देथिलो। तमे खुनी सुभद्रा, तमे खुनी। कोंडा बाबा मते सुभद्रा डाकुची। कोन कोन कहुछु मां? हां बाबा मो मन कहुची मो झियो निश्चय किछि असुविधा रे अछि। कोन भाई सुभद्रा काहे कि असुविधा रहइबो केबे नहि से तो अन्य मानों को कष्ट दबा पाई ही जन्म होई छी। चुप रह सुभद्रा तो भौणी सेति पाई तो चुप रही छी। आज ये दियरंक हाव भाव किछि अलग लागु छी। ये जो सामना रे ठिया है छी स्त्री सामना रे सब स्वामी सिंह हो जांती बहु। कोंडा हां मां ताको पचारे तो चास छाड़ी एठी के काहे के आसी छी? दियरंकर शकुंतला पाखरे किछि काम थिबो मां। भौजो आज काले तमे सानो बड़ किछि देखुनो जहाँ मुँह को आसुच्छी कही दौ गोपाल माँ कौन पचार भाई चाष केमी करी गोटे बलद तो मरी जाइए आर बलद एकुटिया तो हल करना तू आ गए बलद कहीं माँ तो तू आउ तोर से अल से स्त्री घरे बस बस कौन कर दीज चाष करने को बलद ही हल कर बुझीगल मोर फसल दरकार। नाना नाना ना। मते खोजुच विपरीत कथा हे गला ना मु तमको के बेठु सेडी को डाकुची आ तमे मते खोजुच आपण किए? लोके मते साई बाबा बोली कहंती किंतु आपण कोठी अछंती मते दिसु नहंती काहे कि अंत चक्षु खोली देखो नाना मु त सबु प्राणी को भितरे अछि किंतु वर्तमान आपण कोठी अछंती? सिरिडी रे। आपण सिरिडी रे अछंती ताले एठी आपण कथा मते केमते सुना होची? साई बाबा साई बाबा केही मते थट्टा करुनी तो सिरिडी रे थाए साई बाबा मो सहित कथा केमते होचंती? नाना साहेब काहा को खोजु चंती? साई बाबा को। साई बाबा नाटा तो सुनिला भली लागुची सिरिडी रे रहु चंती तमे ता जानी छ? ना ना नाना साहेब मु तो केवल मो गुरु श्री बामन शास्त्री को जानी छी सेई मो गुरु आउ सेई मो माता पिता गुरु बिना ए जीवन रे नाही किछ अर्थ गुरु बिना ए जीवन आमर व्यर्थ। ये कुआडे चली गले खाइबा समय तो हे गलानी
ये कौन? ये तो अत्याचार ठू भी बड़ अत्याचार साई बाबा आउ केते दिन आमे एमिति अत्याचार सहुथिबु। मणीष ही सब भूल करी थाए तथापि ताकु ता भूल सुधारिबार सुजोग टिकक मालिक ताकु देइछि आउ बारंबार देउथिबो। जदि मणीष प्रभुंक देउथिबा सुजोग नै निजर भूल न सुधारिबो आउ अन्याय अत्याचार करुथिबो तो मालिक रो लाठी किछि शब्द न करि ता उपरे निश्चय पड़िबो। एक ये कौन कर छ तमे तमको सहारा दउ छी तमको कष्ट हबो सको तमको भी त कष्ट हो छी तम कष्ट मु किछिटा त कम करि परिबि मु तो मां और भाई को आज्ञा रो पालन करू छी आ मु बाहा घरे अग्नि को साखी रखी जो शपथ नै छी आ तमको जो कथा दे छी ताको पालन करू छी मने छी आमे ती जण परस्पर को कथा देथिले जे आमे सुख रे आ दुख रे भी परस्पर रो साथी ही रहिबा चली जा सको ना तमे चली जाओ प्रेम भक्ति रही एक रूप जोठी भक्ति अछि सेठी प्रेम अछि आउ जोठी प्रेम अछि सेठी भक्ति अछि। भगवान आउ भक्त एई प्रेम आउ भक्तिर बंधन रे परस्पर सहित ही बांधी हेचंती। भक्ति आउ प्रेमर अंतिम पर्याय हला समर्पण। तम दुख मो दुख आउ मो सुख तमर जेते बेले भक्त संपूर्ण रूपे ता निजकु भगवान को समर्पि दिए सेते बेले भगवान आउ भक्त एक ही जानती तांको भितरे कौनसी पार्थक्य रहे ना। एई समर्पण जदि पति आउ पत्नी को भितरे हेइ थाए तो से माने भी एक हेइ जानती। तापरे तांको उन्नति आउ उत्कर्षर समय आरंभ हेइ जाए। तमे आज मो स्वामी को सहाय्य करिछ तांको कष्ट तांको बोझ उठेछ तमे मु तम पाखरे कृतज्ञ। तमे खाली गोटे पशु नुह आम परिवार रो जड़े सदस्य जी भोकिला लोकों को उपरे जड़ पशु को उपरे करुणा करी थाए ता उपरे भगवान करुणा करी थांती। सबका मालिक एक है। सुभद्रा माँ माँ देखो तो सुभद्रा आसी ची कौन सुभद्रा आसी ची एकुटिया आसी ची ना कौन नहीं माँ
ସାଙ୍ଗରେ ନଣନ୍ଦେଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ମା ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ତାର ବି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ ଆସ ବାବା, ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ। ଶକୁନ୍ତଳା ମା। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠିକି ବସିବାକୁ ଆସିନି ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହିବ ନା, ଖିଆ ପିଆ କରି। ନା କୁଣ୍ଡା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ମା, ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଘର ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇଦେଲି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ତାକୁ ଏଠିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛ? କିନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ତ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲ ଭାଉଜ, ତମେ ହତ୍ୟାକାରୀ କୋଟି କହି ଗୋଟିଏ ତ ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ମା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ମାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସମ୍ଭାର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ଶକୁନ୍ତଳା ଭାଉଜ ମୋତେ ମିନତି କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସୁଧୁରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ବି। ମା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ବି ବଦମାସ ଆଉ ଗର୍ବୀ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଇଏ ପ୍ରଥମେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ଆରେ ଏଥର ତ ସିଏ ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଏ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆର ଶ୍ୱାସ ଔଷଧ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନିୟମ କରି କହୁଛି, ଯଦି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମ୍ଭାର ବାବୁ ତ ଅଚାନକ ଆମ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପକେଇଦେଲେ। ବିଜୁଳି ସିଏ ନୁହେଁ, ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପକେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସୁଭଦ୍ରା? ମୋ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପଚାରୁଛି ଯେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ କେବେ ଗଲି? ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର ଥିଲା ତମର, ତମେ ଏଠି ରାହାତରେ ରହି ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କରିଦେଲ। ମା, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇ ରାହାତାରେ ହିଁ କହିଲା ଯେ ମତେ ଏଠୁ ନେଇଯା, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ନା, ଏସବୁ ମିଛ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ଭାଇ, ଇଏ ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମତେ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ, ତ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ସେଇ ଗଛ ଉଠିବ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଆମେ ବୁଣିଥିବା। ଧାନ ବୁଣିଲେ ଗହମ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇବା ବାଲା କେବେ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବିଛା ହବ। କି କଥା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ମହାଶୟ, ମଜା ଆସିଗଲା, ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ।
ଶିରିଡ଼ିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ୍ୱାଲିକାନାଥ ମହାଶୟ କୃପା କଲି ଶିରିଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ।